प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस ट्यूसडे मॉर्निंग प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जैसा हमसे प्यार करता है वैसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम अच्छे होते हैं, अगर हम किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं तो कोई भी हमारे लिए कुछ कर सकता है, कुछ मदद कर सकता है। लेकिन जब हम किसी के विरुद्ध चलते हैं तब कोई आपकी मदद करेगा क्या? अगर आपने ऐसा प्रश्न खुद को पूछा तो आपको आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने किसी को मदद की, किसी से अच्छा बर्ताव रखा तो ही आगे वाला व्यक्ति हमसे अच्छा बर्ताव करेगा हमारे लिए। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमें देगा, मदद करेगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपना प्यार हमें तब दिखाया जब हम संसार की रीति से चलते थे। जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र चले वैसे हम नहीं चलते थे, बल्कि हम पापी थे, संसार की चाल में फंसे हुए थे, हम द्वेष करते थे, हम घृणा में थे, हम बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों में फंसे हुए थे। तब प्रभु यीशु हमारे लिए संसार में आए ताकि हम आज़ादी को प्राप्त कर सके, ताकि हम छुटकारे को प्राप्त कर सके, और ये इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीहा के साथ अनंत काल के लिए रह सके। प्यारे भाई और बहनों, इससे हमें परमेश्वर का प्यार पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर ने अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया। वो निष्कलंक था, निर्दोष था, लेकिन जो पापियों के लिए सजा थी वो उसने अपने ऊपर ली। जो सजा हमारे लिए थी प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ली। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु जी, ये भाई बहन जिस भी जगह पर है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं है मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ इन्हें पिता परमेश्वर प्रेयर करने के लिए मदद और सहायता करना। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपने अपना बेशकीमती लहू बहाया प्यारे प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें बलवंत होते जाना है, पवित्रता में बलवंत होते जाना है, आत्मिकता में बलवंत होते जाना है। और प्रभु जी, हमारे ज़िंदगी में गलत चीज़ें हैं, उन गलत चीज़ों को निकाल दीजिए, निकाल कर बाहर कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम पूरी रीति से पवित्र बन सके, पूरी रीति से अपने जीवन को पिता परमेश्वर सुधार कर आपकी इच्छा से चल सके। क्योंकि आपका आना निकट है, और आपके आने के बाद मेरे पिता परमेश्वर, हम उस पिता परमेश्वर आनंद काल के जीवन में प्रवेश कर पाए, इसके लिए हम खुद की पवित्रताई में खुद को चला पाए, अपनी आँखों को पवित्र कर पाए, अपने विचारों को, अपने मन को पवित्र कर पाए। और आपके वचन में लिखा है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि उसमें जीवन का उगम है, उससे जीवन की शुरुआत होती है। प्यारे प्रभु जी, दया करना, आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं होता। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है। प्यारे प्रभु जी, हमारे मन को ऐसा बनने के लिए पिता मदद करना। प्रभु जी, हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को करते हैं कि हमें पवित्रता में चलने के लिए मदद करना। प्रभु जी, जाने अनजाने गलतियां की है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और प्रभु जी इन भाई बहनों को भी मदद करना, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में वास करता हूँ। धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिए है। आमेन, आमेन।